सभी दोस्तों को जय हिंद। तो जिस भर्ती का आप लोग बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो भर्ती आप लोग का आ चुका है, जो कि है असम राइफल स्पोर्ट्स की भर्ती। तो इस भर्ती के लिए आप लोग का कब से फॉर्म अप्लाई शुरू किया जा रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है स्पोर्ट्स की भर्ती में, क्वालिफिकेशन क्या होता है, इन सभी के बारे में आप लोग को हम आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग को इसका फुल नोटिफिकेशन हम प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल से हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसके लिए जो आपका फॉर्म अप्लाई जो शुरू होने वाला है वो कब से आप लोग का शुरू हो जाएगा। तो देखिए, इसके लिए असम राइफल स्पोर्ट्स की भर्ती के लिए आप लोग का जो फॉर्म अप्लाई शुरू होने जा रहा है वो आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा 28 सितंबर 2024। कब? 28 सितंबर से आप लोग का फॉर्म अप्लाई इसके लिए शुरू हो जाएगा, ठीक। लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट है वो आपका 27 अक्टूबर 2024, यानी कि 28 सितंबर से आप लोग का फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा और 27 अक्टूबर जो है इसका लास्ट डेट रहने वाला है। देखिए, अब बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे कि ये आपका फेक नोटिफिकेशन है। तो देखिए, आपका फेक नोटिफिकेशन नहीं है, ये बिल्कुल रियल नोटिफिकेशन है। अभी आपको असम राइफल्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर हो सकता है कि देखने को नहीं मिलेगा, कुछ देर बाद या फिर कल में आपको जो है कल परसों में आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। ये आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज होते हैं उसमें आप लोग के ये जारी किए गए हैं। तो 28 सितंबर से आपका फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा और 27 अक्टूबर जो है इसका लास्ट डेट रहने वाला है। रैली की बात करें तो जो है आपका रैली के बारे में बताया गया कब से आपका शुरू होगा, वो है आपका 25 नवम्बर 2024। कब? 25 नवम्बर 2024 आपका जो है ये बताया गया है रैली शुरू होने का, भर्ती शुरू होने का टेंटेटिव डेट। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो इसके टोटल वैकेंसी जो है इसमें आपकी जो है 38 वैकेंसी है, जो कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए आपका ये वैकेंसी है, ठीक। आगे बात करते हैं कौन कौन से स्पोर्ट्स के लिए आपकी वैकेंसी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एथलेटिक्स है जिसमें आपका 400 मीटर, लॉन्ग जम्प, जेवलिन, फिर उसके बाद फेंसिंग, फुटबॉल, आर्चरी, बैडमिंटन, शूटिंग, जूडो, कराटे, इन सभी स्पोर्ट्स के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई है, ठीक। देखिए, यहाँ पर आपका बताया भी गया है कि आपका जो है कहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक। जो एथलेटिक्स का और फेंसिंग, फुटबॉल और आर्चरी, इनका जो आपका रैली कंडक्ट कराया जाएगा वो आपका नागालैंड कोहिमा में आपका कराया जाएगा, और बाकी बैडमिंटन, शूटिंग, जूडो, कराटे, इन सभी का जो आपका रैली कंडक्ट कराया जाएगा वो आपका असम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर स्कूल सुखोवी दीमापुर में आपका कराया जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं इसमें एज को लेकर, ठीक। इसके लिए आप लोग को ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा असम राइफल्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक, ऑफिशियल वेबसाइट से। आगे बात करते हैं यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन, सबसे पहले हम लोग एज के बारे में बात करते हैं। एज यहाँ पर जो है वो 18 से 23 साल एज इसमें मांगा गया है, 18 से 23 साल आपका इसमें एज मांगा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपका बताया गया है कि 10th, सबसे पहले तो आप लोग को 10th पास होना चाहिए, सभी कैंडिडेट को 10th पास होना चाहिए। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की बात करें तो स्पोर्ट्स में आपका कौन कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यहाँ पर आप लोग का दिया गया, आप लोग पढ़िए। प्लेयर्स हु हैव पार्टिसिपेट इन एनी इंटरनेशनल कंपटीशन, नेशनल कंपटीशन, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स फॉर स्कूल, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम, खेलो इंडिया पैरा गेम, इन सभी गेम्स में अगर आप लोग पार्टिसिपेट किए होंगे तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपका कंपटीशन भी दिया गया है कि इंटरनेशनल कंपटीशन, नेशनल कंपटीशन, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स फॉर स्कूल, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम और खेलो इंडिया विंटर्स गेम। तो इन सारे यहाँ पर आपको बताया है कि अगर आप लोग इन सभी कंपटीशन में आप लोग भाग लिए होंगे तो आप लोग इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपको बता ही दिए कि 18 से 28 इसमें, ठीक। क्वालिफिकेशन तो आपको बता दिए और आपको एज के बारे में बता दिए। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आपका क्या होने वाला है। सबसे पहले जो है आप लोग का इसमें आपको बता दें कि आपका जो है
रिटन एग्जामिनेशन ये आपका नहीं होता है, ठीक। सबसे पहले जो है आपका जो है वो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं और आपका ट्रायल टेस्ट होता है, यानी कि आपके जो ट्रायल टेस्ट होंगे उसके आधार पर जो है आपका इसका सलेक्शन किया जाता है। इसमें आपका जो है रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है, ठीक। सबसे पहले जो है आपका क्या होगा, सबसे पहले जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नीचे आपका दिया गया है कि आपका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फील्ड ट्रायल, यानी कि आपका ट्रायल जो जिस भी स्पोर्ट से आप लोग अप्लाई करते हैं तो उससे संबंधित जो आपका ट्रायल टेस्ट होगा, ट्रायल टेस्ट होगा और आपका फिजिकल होगा और उसके साथ साथ जो है आपका वहाँ पर फिजिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक। फिजिकल के होते हैं, ठीक। तो आप लोग देख लिए कि असम राइफल आपका यहाँ पर इसका भी भर्ती आ चुका है स्पोर्ट्स का, तो आगे हो सकता है कि आपका टेक्निकल और ट्रेड्समैन की भी भर्ती जरूर आएगी, ठीक। बस आप लोग जो है अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें और जो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे आप लोग फॉर्म अप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक। और आप लोग को इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग जो है हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको नीचे हमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। इस भर्ती के बारे में कोई भी डाउट हो तो आप लोग को जो है हम बता दिया करेंगे, ठीक। चलिए आप लोग से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी मालूम चल जाए कि आप लोग का जो है असम राइफल्स स्पोर्ट्स की भर्ती आ चुकी है, ठीक। इसका नोटिफिकेशन आप लोग को अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा देंगे, इसलिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए आप लोग से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।